दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। यह है मेरा खास शो अंडे का जादू, हैचिंग होप की पेशकश। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी अतिथि। जी सर, जरूर सर। अरे बहुत बहुत खुशी होगी हमें सर। अरे नहीं नहीं प्रॉब्लम कैसी सर? अरे अंकिता तो बहुत खुश हो जाएगी सुनते ही। मनीष फोन पर बात कर रहा था और अंकिता लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बनाते बनाते समझने की कोशिश कर रही थी कि माजरा क्या है। थोड़ी देर बाद मनीष कॉल ख़त्म करके उसके पास चला आया। यार पता नहीं गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़, कल मेरे बॉस अपने घर आ रहे हैं। बोल रहे थे अभी बीमारी से उठाऊँ, स्टिल रिकवरिंग, तो होटल में नहीं रुकना चाहता हूँ। बोले होममेड हेल्दी खाना खाएंगे। होममेड खाना? व्हाट? अंकिता ने कीपैड पर हाथ मारा तो खुली हुई सारी फाइलें बंद हो गईं। अंकिता सर पे हाथ रख के बैठ गई। मनीष भी वहीं सोफे पर धंस गया। नई नई शादी, अपना छोटा सा घर, मनचाही प्राइवेसी और ढेर सारी मोहब्बत, ये सारे प्लस पॉइंट्स ना उड़न छू हो गए। सारी की सारी रोमानियत गुलाबी से फीकी पड़ने लगी। अंकिता और मनीष की शादी को 6 महीने हुए थे। किराए का सही पर अपना फ्लैट था, अपनी आज़ादी, मन मर्जी से जीने की आज़ादी। और उस आज़ादी का मतलब था सुबह कॉफ़ी के साथ टोस्ट, बिस्किट या कॉर्नफ्लेक्स, और लंच डिनर कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर। अंकिता और मनीष वो बच्चे थे जिनके बचपन से माँ बाप ही घर संभालते रहे। फिर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तो नौकरी हाथ में लेकर ही घर लौटे। यानी आटे दाल का भाव दोनों को सचमुच नहीं पता था। अब ऐसे में ये मेहमान, वो भी बॉस, वो भी हेल्दी खाने वाले बॉस। दिन भर परेशान रहने के बाद मनीष ने माँ को कॉल लगाया, और माँ के पास तो हर मुश्किल की चाबी होती ही है, और इस बार तो जादुई चाबी हाथ लगी थी। बच्चों की परेशानी सुन के माँ देर तक हंसती रहीं, फिर बोली, अरे झटपट बन जाने वाला सबसे टेस्टी और सेहतमंद होता है अंडा। बिना कोई ज़्यादा मिर्च मसाला डाले, बिना घंटों गैस के सामने खड़े होके पसीना बहाए, स्वादिष्ट चीज़ें बना सकते हो, और बीमारी से उठे इंसान के लिए तो समझो अमृत है। अतिथि तो वैसे भी देव समान होते हैं, और फिर ये तो बॉस थे तो कोई रिस्क ली नहीं जा सकती थी। मनीष ने कंफर्म करने के लिए फटाफट अपने एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन लगाया कि भाई अंडे के फ़ायदे समझा दो अच्छी तरह से। उसने बताया कि कितनी बढ़िया बात है कि एक अंडे में कोई 72 कैलोरीज होती हैं, और 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, 5 ग्राम फैट, और इसके अलावा आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स और कैरोटेनॉइड्स भी। शाम को मनीष के बॉस घर पहुंचे तो अंकिता ने फटाफट 2 अंडे बोल में फोड़े, मैदा शक्कर दूध मिलाया और पैनकेक बना दिया, और मनीष ने कॉफ़ी। वाह कितना टेस्टी है। बहुत भूख लगी थी यार, फ्लाइट में कुछ खाया नहीं। टेस्टी के अलावा सर, इसमें बीमारियों से लड़ने के लिए ना कई न्यूट्रिएंट्स भी हैं, आप और लीजिए ना प्लीज़। अंकिता ने मुस्कुराकर मनीष को देखा, जैसे पहला मिशन अकॉम्प्लिश हुआ हो। डिनर पर मनीष ने अपनी मम्मी की स्पेशल रेसिपी एग बिरयानी ट्राई की, एकदम हल्के मसाले और ज़रा सा घर का घी। बॉस उंगलियाँ चाटते रह गए। आखिर में एग योक मुँह में डालते हुए बोले, मुझे भी सिखा देना यार ये बिरयानी, लेट नाइट मीटिंग के बीच खाने के लिए परफेक्ट है। घर सबकी हंसी से खनक गया। रात को बॉस सोने चले गए और मनीष और अंकिता सोफे पर हाथ थामे बैठ गए। अच्छा रहा ना बॉस का आना, अंकिता हौले से बोली। अब हम भी रोज बाहर के खाने की जगह खुद बनाया करेंगे खाना। मनीष ने अपना सर पीछे सोफे पर टिका दिया। पल भर में दोनों वहीं सोफे पर ऊँघने लगे। आज शायद उनका फ्लैट सही मायनों में घर बन गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। To learn more about how you can increase nutrients in your diet, log on to www.hatchinghopeglobal.com। हमारे साथ हैचिंग होप कहानी का आनंद लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यदि आप बैकयार्ड मुर्गी पालन व्यवसाय, मुर्गियों से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और हैचिंग होप परियोजना के बारे में
और अधिक जानना चाहते हैं तो आपके सपनों का सफर बस एक कॉल दूर। हमारा नंबर है 836-779-6952। नंबर दोबारा नोट कीजिए 836-779-6952।